गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं जा रही हूँ कहीं पे तैयार होके। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ चल पड़ती है हर दिन, बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अर्जेंट काम हो जाते हैं जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ता है। तो अभी मैं जाऊँगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं जा कहाँ रही हूँ। अभी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे लेनी है बस, तो मैं फटाफट घर से निकलती हूँ, ठीक है? तो अभी मैं जा रही हूँ बस लेने के लिए, बस स्टॉप तक। वैसे तो मेरे रूम के पास भी बस रुक जाती है, लेकिन कभी कभी तो मैं सोचा रिस्क क्यों लूँ और आगे बस स्टॉप जाके बस लेती हूँ। तो अभी बस जा रही हूँ मैं, आई होप बस जल्दी मिल जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अब इससे ज़्यादा लेट क्या ही होंगी मैं। ये है बैजनाथ बस स्टैंड और अब मैं ढूंढूंगी जोगिंदर नगर की बस। तो ये रही जोगिंदर नगर की बस सामने। अब जाती हूँ मैं चौंतड़ा। तो हाँ जी, मैं चौंतड़ा जा रही हूँ। बहुत गर्मी हो रही थी और ये बस चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैं परेशान हो गई थी बस में बैठे बैठे। तो ये है मेरा स्टेशन जहाँ मैं उतरी हूँ, ये है मचकेहड़। अब मुझे यहाँ पे वेट करना है थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं यहाँ पे अपनी बहन का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो भी मेरे साथ जा रही है। आज मैं जा रही हूँ फंक्शन में, आपको पता चलेगा कि मैं कौन से फंक्शन में जा रही हूँ। बस बनी रही मेरी वीडियो। मेरी बहन आ गई एरिया और अब हम जा रहे हैं मेरे दोस्त के घर, क्योंकि आज है उसके घर में एक बड़ा फंक्शन है, तो वहाँ हम दोनों जा रहे हैं। देखिए मेरी बहन कितनी सुंदर लग रही है। ये है मेरी फ्रेंड जिसके एंगेजमेंट है आज, तो मैं इसीलिए आई हूँ। देखिए यहाँ पे स्टेज सज चुका है, हमारी दुल्हन भी सज चुकी। दुल्हन यहाँ देखिए, मतलब दुल्हन तो नहीं अभी, बट ब्राइड टू बी। थोड़ा ऐसे आपकी, आप दिख नहीं रहे अच्छे से, शक्ल नहीं आ रही आपकी। हाँ देखिए हमारी सुंदर सी लड़की तैयार है बिल्कुल। वाह, रुको रुको, फिर से घूम पूरी साड़ी देखिएगी। देखिए हमारी आउटफिट, वाह। तो देखिए गाइस, आप ऐसे लुक भी ले सकते हैं अपने एंगेजमेंट में। हाँ, ये एंगेजमेंट लुक कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे डीजे भी है, तो मैं डांस करके जाऊंगी जरूर। हमारी लड़की अभी अपने ससुराल वालों से फोटोज खिंचवा रही है, देखिए। और यहाँ पे नहीं, सुनो, मैंने पहले नर्वस नहीं हो रही है। या नए जमाने की दुल्हन है ना, ये नहीं होती नर्वस, मॉडर्न दुल्हन है ये। शर्म लज्जा सब छोड़ दी। देखिए इसको बोलते हैं प्यार, ऐसा ही प्यार होना चाहिए। अब ये रस्म हो रही है जिसे बोलते हैं गोद भराई। इसमें दुल्हन को शगुन दिया जाता है लड़के वालों की तरफ से। देखिए अभी हमारी रिया का सारा साज श्रृंगार किया जा रहा है और उसे सारे सुहाग की निशानियां दी जा रही हैं। ये है हमारे दूल्हे राजा, हमारे जीजू जी। ले आ जा शगुन, अपनी खूबसूरती दिखाओ लोगों को। और यहाँ पे हमारी रिया तैयार है। रिया रिया खूबसूरती दिखाओ। अरे थैंक यू अंकल जी। अब हम जूस पी लेते हैं। ਜਿਹੜਾ ਭੋਰਿਆ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਕੇ ਦੇ ਗਏ। दूल्हा दुल्हन के पोज हो रहे हैं भाई, फोटोज। और बारिश आ रही है बहुत। साइड हो जा।
सब खाना खाने बैठे हैं। देखने के बाद और बढ़िया इंजॉय करने के बाद, खूब सारा डांस करने के बाद हम चल पड़े हैं वापस घर, मतलब पालमपुर जाएंगे आज हम। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से और अब हम बस लेंगे नीचे से, फिर जाएंगे पालमपुर। बहुत ही मज़ा आया। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं रेन शटर पे, बस का इंतज़ार कर रहे हूँ यहाँ पे, और कोई बस आ नहीं रही है। गाइस मेरी बुआ, देखिए मेरी बुआ, ये देखिए यहाँ पे बकरियाँ जा रही है, धरन जा रहा है एक बड़ा सा। अब मेरी बुआ ना वापस जाएंगे घर। बुआ मेरे से पालमपुर नहीं जा रहे, बुआ को खांसी हो रही बहुत तेज। तो अब हम पहुंच गए पालमपुर। आज के लिए बस इतना ही था, आपसे मिलूंगी कल। टेक केयर, बाय बाय।